now classic student, I am going to start your new video, another video that is notation for different cell range. So for this I open here the Excel. So Excel ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी Excel app open कर सकता है. So I am opening the Excel app right now in front of you, and right now I have to do the thing. तो क्या करना पड़ेगा? Selecting the cell range. तो पहले हम लोग कुछ ठीक है वट एवर सेल रेंज सिलेक्ट करना है तो बड़ा कर देते हैं. यू शुड व्यू द क्लियर व्यू. राइट राइट नाउ यू हैव द क्लियर व्यू. तो A1:A8 सिलेक्ट करना है. दिस इज A1:A8 सिलेक्टिंग द सेल रेंज. दिस इज कॉल्ड A1:A8. कैसे समझेंगे? इसी तरीके से 1:2 देखकर मैं इसको सीरीज कर देता हूँ. यहाँ पे A1:A8 करना है. ठीक है, सिलेक्टिंग द सेल रेंज. तो मुझको क्या करना है, मान लो कि ऑटो साउंड कर रहा हूँ यहाँ पर. तो देखो दिस इज A1:A8 यहाँ पे आ गया. ये ऑटोमेटिकली आ जाता है ऑटो साउंड देने से. मैं इसको दिखाने के लिए लाया सिर्फ. तुम लोग ये इसको देखो A1:A8, ये सेल रेंज समझ में आया. नाउ A2 to D2 कैसे सेल रेंज समझेंगे? स्किप कर देते हैं, रेंज नहीं रखते हैं. यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे A2 to D2. मान लो ऑटो सम A2 to D2 ऑटो सम करके मैं इजीली दिखा सकता हूँ जैसे कि दिया गया है. तो हम लोग सेल रेंज यहाँ पे नंबर लिख के भी कर सकते हैं. यहाँ पे डिलीट करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A2:D2. हाँ, लिखने से हो सकता है. और कैसे हो सकता है सेल रेंज? जब फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के अंदर ऐसे करके लिख सकते हैं. तो ये है फार्मूला सम. ये आएगा कुछ देर के बाद तुम्हारे सिलेबस में है, इसी चैप्टर में है शायद, देखेंगे. तो A:A मतलब पूरा कलम. इसके मुझको करना है इक्वल टू A:A, पूरा A कलम सिलेक्ट हो गया. हम लोग बोल सकते हो कैसे हुआ. तो मैं इसको नीचे अगर ड्रैग करूँगा तो देख नहीं पाओगे, लास्ट कलम तक ये सिलेक्ट है. कंट्रोल डाउन एड ओ, यहाँ पे देख नहीं पाओगे. बट दैट इज A:A मतलब पूरा कलम सिलेक्ट हो जाना. राइट, सेल रेंज. तो सेल रेंज इंटर कलम. देन A:D, ऑल द सेल अंडर A:D. मुझको कुछ फार्मूला में A:D ऑल द सेल का फार्मूला रखना है. A:D कर देंगे, इक्वल टू देकर एंटर दे देंगे. सॉरी, एंटर नहीं देना है. सेल रेंज देखो सिलेक्ट हो गया, पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया. ऑटोमेटिकली इट विल बी सिलेक्टेड. राइट, 2:2 सेल्स बिलोंग टू एंटायर रो. एंटायर रो दिखा देता हूँ. 2:2 एंटायर रो, 2 रो सिलेक्ट हो गया. 2:5 दिया गया है, मैं 4 करके दिखा देता हूँ. 2:4 दो से लेकर 4 तक, या 1:4 पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. तो नोटेशन ऑफ डिफरेंट रेंज हम लोग इस नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं. ये तुम लोगों को सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ. नेक्स्ट पेज नंबर पे जाएंगे 49 में. तो 49 में हम लोगों को क्या मिलने वाला है? 49 में एडिटिंग, कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग. तो एडिटिंग, कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग से पहले मुझको कुछ करना है. कंट्रोल ए एंड डिलीट. पूरा डिलीट कर दिए. राइट नाउ यहाँ पे जैसे कि किया गया है मैं वही करता हूँ. ग्राउंड नट, GROUND, ग्राउंड A:Nut, देन B में ग्राउंड नट लिखे हैं. प्रोटीन, PRO,
PROTEIN, प्रोटीन क्रैब, CRAB, क्रैब, CRB, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी CRB, CARB, कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, FATTY फैट, देन एनर्जी, NRG, राइट। देन यहाँ पर लिखेंगे 25, देन 40, देन 5, 6, 7। देन यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, डेटा एंटर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं एरो के साथ GM, तीनों में GM है, तीनों में GM लिखना नहीं है, यहाँ पे इसको ड्रैग कर देने से तीनों में GM आ जाएगा। यहाँ पर की CALS, कैल्स, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है अभी, इफ़ यू वांट टू कॉपी दिस थिंग्स, ओपन ए एक्सेल वर्कबुक, इंटर द डेटा एंटर कर लिए, चेंजिंग डेटा इन सेल, तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट करना है तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते, यहाँ पे क्लिक कर करके लिख सकते हैं, या यहाँ पे डबल क्लिक करके हम लोग इंटर कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद कार्बोहाइड्रेट, तो कैसे करके इंटर करना होता है कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया। अगर यहाँ पे जाकर डबल क्लिक कर देंगे तो ये सेल विथ अपने आप से बढ़ा लेगा पर्टिकुलर सेल को, राइट। देन डबल क्लिक ऑन द फार्मूला बार, फार्मूला बार में भी करके हम लोग कार्बोहाइड्रेट कर सकते थे। देन प्रेस एंटर, तो ऐसे करके हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग हो गया। तो अभी यहाँ पे एडिटिंग तक ही रखते हैं, हम लोग सेल रेंज सीखे और एडिटिंग सीखे, नेक्स्ट चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, थैंक यू।